हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे विश्व के 99% लोगों को इन दो कारण से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। आपको पता है वो दो कारण कौन से हैं? इंसान अपने आप को समाज में और सगे संबंधियों में और परिवार में हीन भावना महसूस करता है, अपने आप को निम्न स्तर का समझता है। वो दो चीजें आपको अगर मान सम्मान और प्रतिष्ठा पानी है समाज में, तो वो दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज आप समाज मान सम्मान प्रतिष्ठा सगे संबंधियों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, यहां तक कि अपने भाई बहन, अपने माँ बाप तक में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। वो दो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। जो इंसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको न समाज में, न अपने परिवार में, न सगे संबंधियों में कोई उसको तवज्जो नहीं देता है, कोई इसका मान सम्मान नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो रूल्स बनाते हैं लोग, वो पैसे वाले रूल्स बनाते हैं। आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, समाज में अगर दो जने साथ में जा रहे, एक पैसे वाला व्यक्ति है और एक आम आदमी आम व्यक्ति है, तो लोग सामने वाला व्यक्ति पैसे वालों को नमस्कार करेगा, उसकी पहले आवभगत करेगा, उसको पहले उस स्थान पर बिठाएगा और उसके बाद में एक सामान्य व्यक्ति जो उसके पास जाता है उसको मान सम्मान देगा। मान सम्मान परिवार हो या कहीं पे भी हो, पैसे वाले का ही मान सम्मान किया जाता है। आप कितने अच्छे क्यों नहीं हो, कितने ही अच्छे आपके विचार क्यों ना हो, आपको मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। मान सम्मान सिर्फ पैसे वालों को दिया जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम करें, इतने आलतू फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। हर समय अपने आप को सक्षम करने की कोशिश करें आर्थिक रूप से, तभी आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में और अपने घर में मिल पाएगी। यहां तक कि आपने परिवार में भी देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता हमाता नहीं है, तो उसको यहां तक उसके माँ बाप, यहां तक उसकी पत्नी भी उसका सम्मान नहीं करती। इसलिए अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम करें और ऐसा सक्षम करें कि आपको सब आपको सम्मान करें। सेकंड, ज्ञान। जिस इंसान में ज्ञान की कमी है, उस इंसान को भी समाज और परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, कहीं पर ऑथर ने लिखा है कि नॉलेज इज द पावर। जिस इंसान के पास नॉलेज होता है वो पावर होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, एडवोकेट और पुलिस का। एक सामान्य आदमी थाने में जाता है, कहीं पर जाता है, तो उसको पुलिस वाला उसको डरा सकता है, उसको धमका सकता है। क्योंकि उसको कानून का नॉलेज नहीं है। और यही अगर पुलिस और कानून के बीच में हो, पुलिस और एडवोकेट के बीच में हो, तो क्या हो? एडवोकेट पुलिस को कानून समझा सकता है। आपने देखा एडवोकेट कभी पुलिस से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता? उसको कानून का पूरा नॉलेज होता है, उसको कानून का पूरा ज्ञान होता है, तो इसीलिए वो कानून के बल पर पावर रखता है। इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज द पावर। आपके अंदर नॉलेज होगा तो आपको अपने आप पावर की फीलिंग आएगी। आप समझोगे कि यार मेरे को सब कुछ आता है, सामने वाले से मेरे को ज्यादा आता है। क्यों समझोगे? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। आप कोई गवर्नमेंट स्कीम को लेकर, अगर आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम को लाभ लेना हो और आप गवर्नमेंट कार्यालय में गए और उस स्कीम को आपको पूरी तरह का नॉलेज है, तो आप सामने वाले बाबू को हर तरह से स्कीम के बारे में बता सकते हैं। वो बाबू अगर चाह कर भी आपको टाल नहीं सकता, उस स्कीम का पूरा फायदा आप ले सकते हो। अगर उस योजना का आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, तो ये पावर होती है ज्ञान की। तो जितना हो सके अपने अंदर नॉलेज बढ़ाएं, और उस नॉलेज से आपको पावर मिलेगी, उस नॉलेज से आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए जितना हो सके आप बुक्स पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जितना हो सके ज्ञान अर्जित करने के लिए। आप अगर 10 लोगों के बीच में खड़े होंगे और अगर आपको नॉलेज होगा, तो वो सारे 10 लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके नॉलेज की तारीफ करेंगे, तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी।
इसलिए ध्यान रखें ये दो चीजें अपने जीवन में उतार ले आप, एक तो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं और दूसरा नॉलेज बढ़ाएं। ये चीज आपके अंदर हो गई तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में हर जगह मिलेगी आपको, और आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस फील महसूस करोगे, आप अपने आप को एक अच्छा फील महसूस करोगे। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।